तो चलिए गाइस, आज हम आए हैं ऐसे मंदिर में जहाँ ये मंदिर और बावड़ी पूरे रहस्यमय से भरा हुआ है। तो चलिए गाइस, आपको चलते हैं और पूरे बावड़ी घुमाएंगे और आपको भैरव जी का मंदिर भी दिखाएंगे अंदर, और क्या क्या रहस्य है वो भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहेगा। अच्छा, वो वाला। हाँ, बावड़ी बनी उससे पहले नहीं, नहीं था बावड़ी। बिल्कुल बावड़ी नहीं थी। हाँ। ये दोनों मूर्तियाँ उस कैर के नीचे पड़ी थी। हाँ। और जीवित जो नाग बाबा राजपुरी जी वो पूजा करते थे। हाँ। अच्छा, वो बाहर है जो। हाँ, वो जीवित संबंध है बाहर। हाँ। वो पूजा करते थे जीवित संबंध। उन्होंने बावड़ी बनने के बाद में ली। हाँ। तो वो क्या है कि महारानी को कहा किसी ने, तो महारानी ने तात्य बांध दी अपने और आके यहाँ कस बांध दी। कहा मेरा अगर गादी का रखवाला आपने दे दिया तो मैं आपको मंदिर बना के मंदिर में बैठा दूंगी। मतलब मेरे बच्चा दे दिया तो। हाँ, गादी रखवाला मतलब बच्चा। अच्छा, मतलब गादी संभालने वाला। हाँ हाँ, तो मैं आपको मंदिर में प्रवेश करा दूंगी मंदिर बनवा के। उसके बच्चा हो गया। हाँ। तो बाद में वो छः महीने के बच्चे को यहाँ लेके आई तो राजपुर जी महाराज को बोली कि भाई मेरे को तो ये बोला कि बाप जी के भाई मंदिर में प्रवेश कराना है, मेरे को मंदिर बनवाना है भैरव जी का। तो उन्होंने कहा भाई मंदिर तो छोटा मोटा बनाएगी, तेरी प्रसिद्धि तो होगी नहीं और उससे कोई मतलब नहीं है। तू ऐसा करके यहाँ पानी की समस्या गांव में, तो बावड़ी बना दे। जो बावड़ी है, जो जात, जब तक बावड़ी रहेगी तेरा नाम रहेगा। तो उस वक्त तो उसने ये बावड़ी बनवाई और कलदार दिए थे मुट्ठी मुट्ठी, गिन के नहीं दिए थे। अच्छा, मैं जो भी रुपए दिए सोना चांदी, बिल्कुल जैसे मुट्ठी में जितना है वो सब दे दिए। मुट्ठी में जितना है सब दे दिए, जो कारीगर काम कर रहे थे ना उनको, उस हिसाब से ये बावड़ी बन के यहाँ मूर्तियाँ वहाँ से उठा के यहाँ प्रवेश करी। और कैर वो अभी तक मौजूद है, सालों साल काटा जाता है इसको। बाहर एक वो लकड़ी है, आप बोल रहे हैं वो लकड़ी। हाँ, बाहर तो जीव संबंधि की है। और जीव संबंधि ली थी जब ये आपके कार्तिक का मेला भरा जाता है पुष्कर में। हाँ। उसमें कैंप लगते थे गाँव गाँव के, पहले पुराने समय की बात है, 5-10 साल पहले की बात है। तो बाबा जी जीव संबंधी लेके महीने भर हुआ था। हाँ। और महीने भर बाद में ये कार्तिक मेला लगता है तो 7 दिन के कैंप में बाबा जी पहुँच रहे हैं, रुक गए। शाम को रोज आते, उका गुड़गुड़ाते, गपशप मारते और चले जाते। 15 दिन गांव वालों के साथ में रहे, गांव वालों ने किसी ने पहचाना नहीं। जिस दिन ये कैंप समापन हुआ तो गांव वालों ने पहचान लिया, घोड़े पे बैठते कि बोले बाप जी हम गांव वालों को जाके कहेंगे क्या। अच्छा, समाधि लिए वो। हाँ, उनको दिख गए। हाँ, क्या हम गांव वालों को जाके कहेंगे क्या, और कहेंगे तो गांव वाले प्रूफ मांगेंगे। हाँ, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, जब वो लकड़ी दी थी। हाँ, कि ये लकड़ी ले जाओ। हाँ, और पवन लगोड़ो मतलब सांप का डसा हुआ, कोई भी इंसान है जानवर है कोई भी आजा, नारियल चढ़ा के 7 बार इसको धोप कर फेर के आदमी के शरीर के ऊपर फेर दो, फेरते पूरा जहर क्लियर क्लियर साफ साफ ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा इधर मीन्स मेन बच्चों के, किसी के बच्चा, बच्चों के लिए लेडी जाती है कस बांध के जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो वापस आती है जड़ू ले लेके, जड़ू चढ़ा के जाती है, बच्चे के बाल लेके आते हैं। बिल्कुल, राम सेतु का पत्थर लाया हुआ है बाहर पड़ा है, जीव संबंध के पास ही हम सब। वो भी आप दिखा, आपको 13 है अभी भी 13। वो 25 किलो का पत्थर है। हाँ। कंकड़ भी नहीं तैरता है, तैरता है नहीं, लेकिन वो 25 किलो का पत्थर है, राम सेतु के लाए हुआ है, वो अब तैर रहा है। वो जाके से वो जहाँ से राम, बिल्कुल बिल्कुल रामेश्वरम से, रामेश्वरम से। चले चलते, हम अभी आपको वो भी दिखाएंगे, राम सेतु पत्थर दिखाएंगे और वो लकड़ी भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो
चलिए हम पहुंच गए उस लकड़ी के पास। ये वही लकड़ी है और ये वही जीवित समाधि है जो पंडित जी ने हमें बताया था, और इसी लकड़ी से सांप का जहर करता है। तो चलिए गाइस, अभी हम पहुंच गए राम सेतु पत्थर के पास। ये वही राम सेतु पत्थर है जहाँ राम जी ने सीता मैया को लेने के लिए पानी में तैरने वाला ब्रिज बनाया। ये वही से रामेश्वरम से लाए गए पत्थर है। ये देखो, पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो भी नहीं जा रहा है। ये देखो वापस ऊपर की ओर आ रहा है। ये 25 केजी का है। रामेश्वरम से यहाँ पे मीन्स वहाँ देते तो बिल विल कट के आता है। वहाँ पे जाके कोई भी लेके आ सकता है, इसका चार्ज करता है। तो चले गए, चलते हैं अभी वहाँ पे जहाँ पे बोलुआ बोली जाती है कि भगवान जी मेरे अगर ऐसा हो तो मैं आपका इधर प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे वो प्रसाद बनता है और यहीं पे खाना खाया जाता है। उधर पीछे जेंट्स लोग खाते हैं। ये देखो उधर, इधर लेडीज़ है और उधर पीछे जेंट्स लोग खाना खाते हैं और यहीं पे बनाते हैं। इधर राशन किराना भी यहीं पड़ा है और कोई बाहर से भी लेके आ सकता है सब कुछ। और इधर ठहरने की व्यवस्था है और लेटिंग बाथरूम भी है, सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा लगे तो आपका अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब करना वरना नहीं कहता। और भी मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, और मेरे व्लॉग वीडियो सबसे थोड़े डिफरेंट आते हैं और वो आप सबको पता ही है जो जैसे आप देख लेते हो। और कैमरामैन है मेरा है राज लीलर और प्रिंस राजपूत।